दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैटकेम सॉल्यूशन मेरठ, और आज एनएक्स के अंदर हम लोग ये वाला जो पार्ट है ये बनाने वाले हैं। और इसको बनाने के लिए मैं फ्रंट प्लेन से लूँगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, आज मैं इसके अंदर एक नया तरीका यूज़ करने वाला हूँ ताकि ये मिनिमम टाइम में बन जाए। और इसको मैं इधर फ्रंट से बनाने वाला हूँ, तो मैं एक प्रोफाइल तो ये आगे वाला बनाऊँगा, साथ ही एक ये वाला प्रोफाइल बनाऊँगा, और इस कट का प्रोफाइल भी मैं साथ में ही बनाने वाला हूँ, इसके लिए भी प्रोफाइल मैं साथ में ही बनाऊँगा। तो करते हैं स्टार्ट। और शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हम लोग इस टाइप के नए नए वीडियोज़ बनाते रहें। और हम लोगों ने एक नया चैनल भी अभी लॉन्च किया है CNC प्रोग्रामिंग एंड डाई मोल्ड के नाम से, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने ये पहली 148 की लाइन बनाई और ओरिजिन के साथ इसे कॉन्सिलेंट कर देता हूँ। अब मैं लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट, थोड़ा सा ऊपर क्लिक क्लिक, और ये इसके साथ, और इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, ये कॉन्सिलेंट कर लिया, और 30 का रेडियस है, तो ये जो गैप है ये हो जाएगा मेरा 60 का गैप, और ये जो गैप है यहाँ पे दिया हुआ 18, तो इसे डबल क्लिक करते हैं, ये 18 हो जाएगा, और ऊपर कितना है बॉटम से इधर 60, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये आना चाहिए 60, और क्लोज ये लाइन और ये लाइन दोनों को कर देते हैं कोलिनियर, मैच हो गया। एक सर्कल लूँगा, ये मैंने बनाया, लाइन पे क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देते हैं, और क्लिक इसे कर देते हैं ट्रिम। तो ये मेरा पहला प्रोफाइल हो चुका है। अब पीछे वाला जो है ये वाला मुझे बनाना है, तो अगर मैं इसको अभी लेता हूँ तो ये शायद पूरा ले नहीं पाएगा, तो हम एक काम करते हैं इस वाले को ले लेता हूँ, एक सर्कल भी है बीच में से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक, और ये है 26 का डायमीटर ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला प्रोफाइल दिख रहा है ये वाला, मैं ये प्रोफाइल बनाऊंगा। इसके लिए मैंने पॉली लाइन ली और यहाँ से क्लिक करता हूँ, और यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ तक ही जाना है, ठीक है, क्लिक, फिर यहाँ से थोड़ा सा ये टेपर जाएगा जो कि इसके ऊपर तक है, फिर थोड़ा स्ट्रेट जाएंगे और फिर इसकी कुछ थिकनेस आएगी, और ये इससे भी कम है तो यहाँ तक रखा, और अंदर जाते हैं और इसके मिडिल तक, ये मैंने ले लिया है। अब इसकी कुछ डायमेंशन कर लेते हैं, डायमेंशन इसकी है 108 सेंटर तक, तो सेंटर को मैंने इंक्लूड कर लिया, और यहाँ से लेता हूँ ये और ये पॉइंट, क्लिक 108 प्लस जो आउटर वाला रेडियस है 32 का, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इसे करते हैं 108 प्लस 32, ये लेंथ आ गई है। और अब यहाँ से जो फ्लैट है ये दूरी, ये वाली जो है ये है 30 प्लस 32 ये 62 हो जाएगा, क्लिक, और ये जो बीच का गैप है ये है 20 हो गया, ये लाइन कुछ सीधी जानी चाहिए, इसे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, और अभी ये टेपर वाला गैप बचा है जो कि 64 का गैप है, तो ये जो लाइन है, जूम करते हैं, ये लाइन क्लिक, ये हो जाएगी 32, और साथ में ये जो पॉइंट है ये इस वर्टिकल एक्सिस के साथ अलाइन, ये क्या आ रहा है, ये है इसके साथ ही है सेम जो नीचे तक जा रहा है 62, तो इसे भी हमने डबल क्लिक किया और कर देते हैं 62, ये मैच हो गया। अब इसको मिरर करना है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और लेते हैं यहाँ से हम मिरर,
मिरर में ये चाहिए, ये कर्व चाहिए, सेंटर लाइन है ये, और ओके, और नीचे की लाइन ऑलरेडी है ये हमारे पास, तो ये ऊपर का मैंने एक प्रोफाइल बना दिया। अब एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया, और ये है ये वाला सर्किल के लिए जो कि 48 है, तो इसे कर देते हैं 48, और ये बाहर कितना निकला हुआ 8, तो इस वाले को डबल क्लिक करते हैं और करते हैं 8 हो गया, और ये ऊपर से आ जाएगा इसका सेंटर 32 पे, तो क्लिक करते हैं ये लाइन से, ये जो इसका मिड है ये इधर की तरफ लेंगे, और ये है 32 ताकि मिडिल पे आ जाए। तो ये मैंने बना दिया, आप मिरर करना चाहो यहाँ मिरर कर लीजिए, अदरवाइज़ हम वहाँ पे मिरर कर लेंगे। एक अभी ये जो ये वाला कट है इसके लिए, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, और ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा मैंने लिया है, और ये है कितना गैप, 34 ये है और 36 है, तो इसे डबल क्लिक करिए और इसे कर देते हैं 36 क्लिक, 36 हो जाएगा क्लोज, और ये जो पॉइंट है ये हमारे इस ओरिजिन इसके साथ कॉन्स्टेंस कर देते हैं, मैच हो गया। और इसकी लेंथ तो कोई मैटर नहीं करती क्योंकि कट होना है, तो 180 मैं ले लेता हूँ, और थोड़ा बाहर रहेगा तो सिलेक्शन करने में मुझे आसानी भी हो जाएगी। तो ये मेरा ये फ्रंट का हो गया है, होल हो गया है, ये मैंने बना दिया, ये कट भी हो गया, इसे करते हैं यहाँ से एक्सिट, ये पूरा एक साथ बना दिया। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आपका एनएक्स पे ही काम करेगा, आप कहीं और इसको यूज़ करना चाहेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर में तो शायद ये पूरा वर्क ना कर पाए, जैसे सॉलिडवर्क्स में है, आप कैटिया में यूज़ करना चाहोगे तो शायद ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन हमारे इसमें अभी काम करेगा। बाहर की तरफ 10 आना चाहिए, मैंने से 10 ले लिया 10, लेकिन क्योंकि अभी मैं मिडिल पे हूँ, मिडिल पे हूँ तो टोटल कितना है 84, तो 84 यहाँ से 84 किया मैंने, और सेकंड जो लिमिट है इसको मैं इधर लेके आता हूँ, और ये होगा मेरा 10 माइनस करते तो 74, तो ये 10 मेरा यहाँ बचाएगा, इसे मैं करता हूँ अप्लाई, ये बाहर का आ गया। अब बीच वाला है जो है ये वाला, शो नहीं हो रहा, घुमा लेता हूँ हल्का सा, पूरा क्लोज हो गया, और ये है 74 और मिडिल पे 0, कुछ ऐसा है, ऐसे ही आ रहा है, देख लीजिए अब इसको। एक चीज़ और करनी है, ये टोटल था तो हमें हाफ़ करना था, वो हाफ़ करना मैं भूल गया हूँ, तो हम एक काम कर लेते हैं, या तो हाफ पहले कर लीजिए या फिर यहीं से बना लेते हैं। तो ये 10 तो ये हो ही गया है, यहाँ से हमने ये बीच का लेना है, तो 10 और 10 माइनस हो जाएगा ये, तो इसको इधर से भी मैं कर देता हूँ 10। तो ये जो अंदर का गैप बचेगा वो 64, 10 ये छूटेगा, 10 ये छूटेगा, 64 हो जाएगा, और कर देते हैं अप्लाई, ये सेकंड भी हो गया हमारा, आपको वहाँ के देखिए ऐसा ही है। और फिर आते हैं इधर से जो कट है, कौन सा वाला कट हम देखना चाह रहे हैं, ये तो हमारा ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही मैच हो रहा है, ये वाला, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये पूरा आ गया है, और ये मिडिल पे आना है, ये है 34, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसे हमें 84 माइनस 34 50, तो इसको हमें लेना पड़ेगा ये 84 माइनस 25, तो ये 59 हो जाएगा, और इधर से लिया और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं अप्लाई, सेकंड कट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक ये रेक्टेंगल था, इसे क्लिक करता हूँ और इसे आगे लेके आता हूँ, और ये वैल्यू मिडिल की थी तो मिडिल पे बिल्कुल प्रॉपरली प्लेस हो गया, हम इसे कर देते हैं ओके, सब्सट्रैक्ट नहीं है, ये यूनाइट है, इसे यूनाइट रखेंगे और ओके, 34 ये 34 था, और ये जो है हमारा 48 है, तो थोड़ी सी वैल्यू में डिफरेंस आएगा, वो चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें एक वैल्यू लेनी पड़ेगी 18 और दूसरी
66 और इसे करता हूँ मैं अप्लाई और कर देते हैं इसे हम कैंसिल क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा सारा बन गया है। अब यहाँ से एज ब्लेंड लेता है और जो मेरे पास ये चारों एजेस हैं इन चारों एजेस को सिलेक्ट करता हूँ और जो रेडियस है वो है 24 और कर दीजिए ओके, ये मेरा गोल हो गया है। और यहाँ से ब्रश पुल लेता हूँ और इस फेस को क्लिक करेंगे, ऐसे हमने थ्रू आउट कट कर दिया ओके, बुरा कट हो चुका है, बीच का कट हमारा ठीक है। अब ये वाला बस एक बचा हुआ है जो कि ये है, तो मैं एक काम करता हूँ फेस एक्सट्रूड लेते हैं और इसको कर देते हैं 18 और ऊपर वाले को देते हैं 0 और यूनाइट इसके कर दीजिए हाइट, होल जो है वो रह गया है तो होल वाले को मैं यहाँ से इसके बाद ड्रैग कर लेता हूँ। आप देखिए और इस वाले को जो मैंने बनाया है ये है एक एक्सट्रूड और एक ब्लेंड, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके आप ले लीजिए मिरर फीचर और अबाउट मिडल वाले प्लेन के अबाउट और ओके और फिर से फिलेट एज फिलेट लेते हैं और ये वाला जो रेडियस है 32 का है तो इसे 32 कर दीजिए और ओके, ये पूरा हमारा बन के आ गया है। सिर्फ एक होल कट करना है तो होल के लिए सर्किल बना लीजिए या होल कमांड ले लीजिए, होल कमांड लिया इस फेस पे क्लिक करेंगे और ये जो पॉइंट है इस ओरिजिन के साथ कॉन्सिडेंस और ये है हमारा 30 का होल तो 30 कर देते हैं इसे 30 और इसे कर देते हैं थ्रू बॉडी और ओके। तो हो फ्रेंड आपको ये मेरा मेथड जो है प्रॉपरली समझ में आया होगा, मैंने इसको पूरा एक साथ बनाने की कोशिश करी है, एक नया मेथड नया टेक्निक यूज़ करी है जो कि आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।